हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष दोषी ईस्टर्न फार्म्स एलएलसी दुबई आपका स्वागत करता हूं। आज वीडियो का सब्जेक्ट है कि कौन सी कंट्री से एक्सपोर्ट शुरू करें, विच कंट्री इज सेफेस्ट और सेफ विद स्टार्ट विद एक्सपोर्ट। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स या जो भी यूट्यूब देखते हैं हमारा ईस्टर्न फार्म्स का और बाकी के प्लेटफॉर्म के ऊपर से भी आया है कि जो नया शुरू करना चाहते हैं और उनको समझ में नहीं आता जब एक्सपोर्ट शुरू करना है तो कौन से कंट्री से शुरू करें। ज्यादा तो लोग गल्फ या दुबई के लिए सोचते हैं, लेकिन जब प्रश्न आता है अलग कम्युनिटी है, फूडस्टफ छोड़ के, वेजिटेबल्स फ्रूट छोड़ के, दूसरी कोई इंजीनियरिंग जैसा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सर्विसेस है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इलेक्ट्रिकल है या बाकी के जो भी एक्सपोर्ट आइटम है, उनको कौन से कंट्री में सेफली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये नए स्टूडेंट के तरफ से या पुराने भी जो लोग हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके तरफ से भी ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि विच कंट्री इज सेफेस्ट। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कोई एक फॉर्मूला फिक्स नहीं है इसके अंदर कि किसके साथ एक्सपोर्ट करे और किसके साथ एक्सपोर्ट ना करे। 8 या 10 ऐसे पॉइंट है जो देखने से समझ में आता है कि हम उस कंट्री के साथ एक्सपोर्ट करें या ना करें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है वो है कि हमारे नियरेस्ट कंट्री है क्या, हम इजीली वहां जाके आ सकते हैं क्या। दूसरा है वेदर कंट्री इज पॉलिटिकल स्टेबल, कंट्री में जो अभी राज कर रहे हैं लोग ये कौन से टाइप के है, वो स्टेबल है क्या, पॉलिटिकली स्टेबल है क्या। तीसरा आता है इकोनॉमिकली स्टेबल है क्या, कंट्री इकोनॉमिकल स्टेबल है क्या या उनके कुछ इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं और जिसे हम बोल सकते हैं कि बैंकरप्ट होना, या अभी जैसे हम इस जनवरी और दिसंबर महीने में जो सुनने में आया है कि जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, काफी सारी कंट्रीज बैंकरप्टेड हो गए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, इनके बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। तो ऐसे कंट्री के साथ हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये भी इकोनॉमिकल जो मुद्दा है वो भी चेक करना चाहिए। तीसरा है वेदर कंट्री इज इन वॉर जोन, वॉर जोन में कंट्री है या नहीं, जहां वॉर चल रहा है उसके नजदीक वाली कंट्री या वॉर के वो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में विभाग में वो कंट्री है क्या, उसके बाजू में वॉर चल रहा है तो उसके परिणाम उनको लेने पड़ते हैं, वो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वॉर जोन में कंट्री है क्या, या दूसरा भी होता है सिविल वॉर, इंटरनल कोई इनकी अफरा तफरी है क्या, ये भी देखना पड़ता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है बैंकिंग नेटवर्क और जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो रहती है, तो पूरा जो कॉमर्स ई कॉमर्स है, हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन है, बैंकिंग है, मनी ट्रांजेक्शन है, करेंसी एक्सचेंज है, ये सारे इंटरनेट थ्रू होते हैं, इसमें कोई फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं होता है, ये टोटली नेट इंटरनेट के माध्यम से होता है, सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो ये उसके लिए वो कंट्री पूरी तैयार है या नहीं है, उनका कोई डिस्टर्बेंसेस है क्या नहीं, ये भी देखना पड़ता है। तो ये एक चौथा मुद्दा हो गया। पांचवा मुद्दा है इंटरनेशनल पोर्ट, मतलब ये शिपिंग के पोर्ट, एयर कार्गो पोर्ट या इंटरनल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा है या नहीं है, क्योंकि हमारा जब माल वहां पहुंचता है तो वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना या हमारे बायर तक जाना, इंपोर्टर तक जाना, ये भी जरूरी होता है। तो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंस होती है। छठा पॉइंट यह है कि इंटरनेशनल लॉ एंड कंट्रीज इंटरनल लॉ, उनका डोमेस्टिक लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना पड़ता है। क्योंकि जब भी बायर के साथ हमारा कभी डिस्प्यूट हो जाए तो हम उसको न्याय मांग सकते हैं, तो ये भी चेक करना पड़ता है इनकी न्याय व्यवस्था बराबर काम कर रही है या नहीं कर रही है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है दोस्तों कि हमारे कंट्री के साथ
उस देश का कोई ट्रीटी है, इंटरनेशनल रिलेशन का कोई एग्रीमेंट हुआ है, कॉमर्स और बाकी का ट्रेड का कोई एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि काफी सारे देश एक पर्टिकुलर एटम के लिए मतलब मना कर देती है या कोई अलग तरह का बैन करती है, तो हमारी कंसाइनमेंट वहां फंस सकती है। इसके लिए इंटरनेशनल जो ट्रीटी होती है, रिलेशनशिप और ट्रेड में जो भी हमारे करार होते हैं, वो भी चेक करना जरूरी होती है। और लास्ट पॉइंट और एक है दोस्तों, कि जैसे हमारा उस देश कंट्री के साथ जहां हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, उसके साथ कितने सालों से व्यापार चल रहा है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम कितने सालों से उस देश के साथ व्यापार कर रहे हैं और बिना दिक्कत, बिना डिस्टरबेंस सलग बढ़ते जा रहा है व्यापार, ये भी चेक करना चाहिए। तो ये 8-10 पॉइंट है, इसके ऊपर फोकस करने से हमें पता चलता है कि हमें किसके साथ व्यापार करना चाहिए, किसके साथ एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके जैसे काफी सारे वीडियो जो शॉर्ट है और इन्फॉर्मेटिव है आपको देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न फार्म LLC यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी के सारे प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां भी आप ज्वाइन करके हमारे काफी सारी एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन फ्रीली प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।